चमोली में हुए आपदा में गोपालगंज के हथुआ थाना क्षेत्र के सुहागपुर गांव का भी एक युवक लापता हो गया है। घटना के बाद युवक के परिवार के लोगों का संपर्क नहीं होने पर उसके पिता सुरेश प्रसाद ने आज समाहरणालय आकर एडीएम वीरेंद्र प्रसाद से मिलकर पुत्र की खोजबीन कराने की दिशा में कार्य करने की गुहार लगाई। अपर समाहर्ता ने तत्काल चमोली में संपर्क स्थापित कर पूरे मामले की जानकारी प्राप्त की। घटना हुई है जी, कल 10:45 के घटना हमारा समाचार मिलल, फोन कैले एक जना तो कहले का जी वही जो लहर आई रहा सुनामी और सारा आदमी साइड पर के दस गई बा है ना, तो हमने के समाचार सुन के आनी जा हमने के सुहागपुर में सबके परेशान बा रो और काम कर तपमन अथी बद्रीनाथ वही जब काम करते रहन, उनके अभी कोनो आता पता ना लागल, घर के लोग सबके उर्वरता बिलखता सबके परेशान बा, हमनियों के परेशान बन जान, तीन को बच्चा भी प्रशासन से काम मांग करते जी, प्रशासन से यह मांग करते नहीं जी, उनके जल्दी कोनो खबर मिल जा है ना, बोले जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी वहाँ के ढूंढल जा उनके। आपका क्या नाम है जी? हमारा नाम सुनील प्रसाद। उनके पिताजी वहाँ काम करते थे, अभी दो एक घंटा पहले उनके पिताजी आए थे मेरे पास, तो उनके द्वारा बताया कि मेरा लड़का वो मीटर में काम करता था, उसकी घटना के बाद से उससे संपर्क नहीं हुआ है तो उसके खोज के लिए वो जाना चाहते हैं, तो मना किया कि एक दिन दो दिन के बाद जाइए, अभी वहाँ स्थिति ठीक नहीं है, लेकिन वो जाएंगे और हम लोग उसको खोज के लिए प्रचार कर रहे हैं।